morning, fifth standard students. So again I'm here to have English chapter number 2 now, Tansen. क्या है बेटे? Page number 14 पे chapter number 2 given है, Tansen. कौन था ये Tansen? Tansen एक singer था, बहुत ही famous singer है बेटे. और अकबर एक राजा था, उसके कोर्ट में, उसके दरबार में, उसके एक्चुअली 9 gems थे, 9 रत्न थे अकबर के. बहुत ही जो इंटेलिजेंट लोग थे, टैलेंटेड पर्सन थे, ऐसे 9 पर्सन उसके दरबार में थे, जिसमें से एक अकबर का जो Tansen था. तो Tansen पे बेस्ड ये स्टोरी है. और Tansen कौन है? सिंगर है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बच्चे. Tansen was the only child of a singer and his wife who lived near Gwalior. Gwalior, यूपी में आपके एक जगह का नाम है बेटे. Gwalior आगरा के पास ही है. वहाँ एक आदमी, एक सिंगर रहता था, एक गायक था. उसके बेटे का, एक ही बेटा था उसका, और उसके बेटे का नाम था Tansen. ठीक है, वो अपनी वाइफ के साथ ग्वालियर के पास रहता था. ही वॉज अ मिस्चीवियस चाइल्ड. Tansen बचपन में बहुत ही शरारती बच्चा था. मिस्चीवियस का मतलब शरारती, जो बच्चे बहुत शरारत करते हैं. एंड ग्रू टू अ ग्रेट म्यूजिशियन. और बड़ा होकर क्या बना? बहुत ही ग्रेट, महान गायक बना, महान म्यूजिशियन बना. हिज सिंगिंग इम्प्रेस्ड अकबर सो मच. उसकी गायकी ने, उसके गाने ने अकबर को इतना प्रभावित किया, इतना इम्प्रेस किया, मतलब अकबर इतना खुश हुआ, दैट ही डेजिग्नेटेड Tansen एज वन ऑफ द 9 gems इन दिस, इन हिज कोर्ट. कि अकबर ने Tansen को अपने राज्य के 9 रत्नों में से एक रत्न के की पदवी दे दी. डेजिग्नेशन होता है, हम किसी को एक पदवी दे देते हैं, पोस्ट दे देते हैं. जैसे हमारे स्कूल में होता है टीचर का डेजिग्नेशन, प्रिंसिपल का, डायरेक्टर सर का, लाइक दैट. तो उसने Tansen को क्या डेजिग्नेशन दिया, क्या पदवी दी? अपने 9 रत्नों में से एक रत्न उसको मान लिया, बना दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा सिंगर था. Tansen सून बिकम अ फेवरेट ऑफ अकबर. अब Tansen इतना अच्छा गाता था कि अकबर का फेवरेट बन गया. फेवरेट समझते हैं, सबसे प्रिय. अकबर वुड कॉल अपॉन Tansen टू सिंग व्हेनेवर ही प्लीज्ड नाइट और डे. जब भी अकबर खुश होता, Tansen को अपने दरबार में बुला लेता, कभी दिन में, कभी रात में, या जब भी वो खुश होता था. दिस हाउ एवर मेड अदर कोर्टियर्स जेलस. बाकी जेलस, बाकी जितने कोर्टियर्स थे, जितने भी और दरबारी थे, उनको इससे जलन होती थी, ईर्ष्या करते थे. उनको ऐसा लगता था कि इसको ज़्यादा पूछता, हमें नहीं पूछता. तो दे फील जेलस, उनको जेलस होती थी, ईर्ष्या करते थे. दे ट्राइड इन मेनी वेज टू डिस्ट्रॉय द किंग्स अफेक्शन फॉर Tansen. दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की इन मेनी वेज, बहुत तरीके से. किस चीज़ की? टू डिस्ट्रॉय द किंग्स अफेक्शन. किंग का, राजा का जो प्यार Tansen के लिए था, उसको मिटाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े षड्यंत्र रचे कि किसी ना किसी तरह राजा उनको पसंद, Tansen को ना करें. बट दे डिड नॉट सक्सीड. पर वो कभी भी सफल नहीं हुए, क्योंकि Tansen हमेशा, राजा हमेशा Tansen को अच्छा ही लगता था. ठीक है, और Tansen को राजा अच्छा लगता था, राजा को Tansen पसंद था. लोग जलते थे, वो चाहते थे कि राजा उससे नफरत करे, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए. देन वन ऑफ देम हैड अ ब्राइट आइडिया. तो जो बाकी दरबारी थे, उनमें से एक को एक बहुत अच्छा आइडिया आया, विचार आया. क्या? लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक. किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम राग दीपक गाओ. अब जो सिंगर होता है ना, देखो बेटे, सिंगर जो होते हैं, राग भी बहुत तरह की होती है, बहुत ही डिफिकल्ट राग होती है गाने में. तो राग दीपक एक बहुत ही डिफिकल्ट और टिपिकल राग है, जिसको गाने से क्या होता है, अगर सही तरीके से गाया जाए तो जो लैम्प होता है ना, दिया होता है, वो अपने आप जल जाता है. इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इतना टफ सिंगिंग है ये. तो राग दीपक गाने के लिए बोलते हैं. Whoever sing the राग properly will get burnt due to the heat. जो भी इस राग को सही तरीके से गाता है, तो दिए, जो दीपक है, वो अपने आप ही जल उठते हैं, जल जाते हैं. ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि ये बहुत टफ है. आजकल तो कोई गा भी नहीं सकता इसे.
दे ऑल एग्री टू द प्लान. सबको उसका प्लान जो था वो बहुत पसंद आया, सबको लगा सही आइडिया, उसको फंसाते हैं. दे वेंट फर्स्ट टू अकबर्स डॉटर, वो अकबर की बेटी के पास गए. अब डायरेक्ट अकबर के पास कैसे जाए, तो उसकी बेटी के पास गए. कोर्टियर कैन वेरी कैवियस यू सी. अब आप देख सकते हो ये जो कोर्टियर्स हैं, ये जो दरबारी हैं, कितने धोखेबाज, कितने षड्यंत्रकारी हैं, सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कि राजा तानसेन से नफरत करे, या तानसेन को गा नहीं पाएगा तो राजा उसको नफरत करेगा, ये वो चाहते. तो उसके लिए वो कैसे कैसे कुटिल षड्यंत्र रच रहे हैं. तो कितने बुरे हैं ये लोग, आप देख रहे हैं. डेवियस का मतलब धोखेबाज, जो ईमानदार नहीं होते, बेईमान. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, बेटी के पास गए. द एम्परर थिंक्स तानसेन इज द ग्रेटेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड. उन्होंने अकबर की बेटी को कहा, राजा सोचते हैं कि तानसेन इस दुनिया का सबसे अच्छा गायक है. बट ही कैन नॉट, बट वो नहीं हो सकता बी कॉल्ड अ ग्रेट सिंगर. वो तब तक एक अच्छा गायक नहीं हो सकता अनटिल ही सिंग्स राग दीपक, जब तक वो राग दीपक नहीं गाकर सुना सकता. दिस सेड टू हर, उन्होंने राजा की बेटी से कहा, उसको भड़काया कि कैसे वो अच्छा सिंगर है जब तक राग दीपक नहीं गाएगा. तो प्रिंसेस वॉज इंट्रीग्यूड, वो बड़ी हैरान हुई, बड़ा मतलब उसको इंटरेस्ट भी आया इस चीज़ में. हैरानी से उसने पूछा कि वाई इज दैट, ऐसा क्यों होता है. शी आस्क्ड, उसने पूछा, देयर इज फायर इन द हार्ट ऑफ द सिंगर हु सिंग्स दिस राग. जो ये राग गाता है उस सिंगर के हार्ट में, दिल में क्या होती है, जलना शुरू हो जाता है उसका हार्ट, उसमें जलन शुरू हो जाती है. और द ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक इज सच, और उस म्यूजिक की इतनी सुंदरता है दैट द फायर कैन लाइट ऑल द नियर बाय लैम्प, कि उस आग से जिससे उस गायक का दिल है, हृदय है जो जलेगा, उस आग से, उस गर्मी से सारे दिए भी, दीपक भी अपने आप जल उठते हैं. इट इज़ अ ग्रेटेस्ट विश टू हैव तानसेन सिंग दिस राग. ये हमारी दिली इच्छा है, हमारी इच्छा है कि तानसेन इस राग को गाए. द प्रिंसेस वेंट स्ट्रेट टू हर फादर. प्रिंसेस को बड़ी मतलब मजेदार सा लगा ये, वो फटाफट अपने फादर के पास गई और उसने कहा, अकबर वुड नेवर डिनाई हिज डॉटर एनीथिंग. कभी भी अकबर अपनी बेटी की कोई बात टालता नहीं था. डिनाई मतलब मना करना, किसी बात के लिए उसको मना नहीं कर सकता था. सो ही वेंट फॉर तानसेन, तो तानसेन के पास चला गया. दरबारियों ने उसकी बेटी को बोला, बेटी ने अपने फादर को बोला, और फादर फटाफट से तानसेन के पास गए और आस्क हिम टू सिंग राग दीपक. उन्होंने कहा, राग दीपक तुम्हें गाना है, उसकी तैयारी करो बेटी, मेरी बेटी को सुनना है. माई लॉर्ड, महाराज, तानसेन सेड, तानसेन ने कहा, महाराज, व्हेन ही हर्ड व्हाट अकबर हैड टू से, जब उसे समझ आया, जब उसने सुना अकबर ने क्या चाहता है, अकबर ने क्या सुनना है, डोंट आस्क मी टू सिंग दिस राग. तानसेन ने कहा, महाराज, ये राग मुझे गाने के लिए मत कहिए, आई कैन सिंग एनीथिंग एल्स फॉर यू वॉन्ट मी टू. आप जो चाहते हैं मैं कुछ और गा सकता हूँ आपके लिए, आप ये राग मुझे गाने के लिए मत कहिए. अब आगे क्या होता है बेटे, ये हम सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मीनवाइल कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रीडिंग द चैप्टर, हार्ड वर्ड्स के मीनिंग लर्न कीजिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.